पंजाब फूड अथॉरिटी वाटर सैंपलिंग मुहिम का दूसरा रोज है। मयार में कमी, गलत लेबलिंग पर चार ब्रांड्स को फेल करार दे दिया गया है। इसी पर बात कर रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक बताएगा चार ब्रांड्स कौन से शामिल हैं इनमें। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी वाटर सैंपलिंग मुहिम का दूसरा मरहला जारी है, जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद बड़े ब्रांड के पानी भी का भी तजिया मुकम्मल कर लिया गया है। 11 कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड के सैंपल दिए गए हैं, जिसमें मयार में कमी, गलत लेबलिंग पर चार ब्रांड कर दिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के लापरवाही पर एवाइन नेचुरल वाटर, मरी स्पार्कलेस और इसके साथ दासानी और स्प्रिंगले नेचुरल वाटर सैंपल लेबलिंग पर एक क्वालिटी किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि दासानी के पानी में तलछट और गंदगी पाई गई थी, जबकि एवाइन नेचुरल और स्प्रिंकलर के पानी में टीडीएस का लेवल कम पाया गया, जबकि मरी स्पार्कल लेट पानी लेवल रोल 2-8 और 20 नंबर दर्ज ना होने पर फेल किया गया। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का यह भी कहना है कि फेल होने वाले सैंपल्स की प्रोडक्शन सादम इतला बंद कर दी गई, तस्दीक करने वाले प्लांट के दोबारा सैंपल लेने के बाद लेबोरेटरी भिजवाए जाएंगे और इतला का अमल मुकम्मल और दोबारा सैंपल पास होने तक फेलशुदा ब्रांड को सप्लाई की इजाजत ना होगी। कैप्टन टाइट मोहम्मद उस्मान का कहना है कि पास और फेल होने वाले ब्रांड की मुकम्मल फहरिस्त पंजाब फूड अथॉरिटी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और तमाम किस्म के पानी का साल में 4 दफा तजिया करके नतज जारी किए गए हैं। इस वाले से प्रोडक्शन यूनिट छोटा हो या बड़ा, पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन का यकसा नफाज किया जाता है। जी ठीक है।